एवरीवन, वेलकम बैक टू अनादर व्लॉग। और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इटली के लिए। वैसे इटली की एक और सिटी वेनिस हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसका वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज मैं हूँ पीसा में। पीसा इटली की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टिक सिटी है, क्योंकि यहाँ पर फेमस है ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि थोड़ा सा झुका हुआ एक बेल टावर है। इस बेल टावर का कंस्ट्रक्शन 1173 में स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट 200 इयर्स लगे थे इसे बनकर कंप्लीट होने में। ये बना हुआ है पूरे वाइट मार्बल का, जिसकी हाइट है 183 फीट। दिखने में लगता है ना थोड़ा सा झुका हुआ, ये 4 डिग्री तक झुका हुआ है और पूरे 800 साल हो चुके हैं ये बिल्डिंग ऐसा का ऐसा ही है। इस बेल टावर के ऊपर भी आप जाकर पीसा सिटी का व्यू देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पीसा कैथेड्रल, जो कि इसके पास में ही है। और ये मॉन्यूमेंट, ये भी थोड़ा सा झुका हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है वो स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़े से झुके हुए हैं। पीसा कैथेड्रल का आर्किटेक्चर तो बहुत सुंदर है, बाहर से तो बहुत सुंदर लगता है, आप अंदर जाके भी इसे देख सकते हैं। वैसे तो पीसा के टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने के लिए 2 घंटे का समय बहुत है, लेकिन यदि आप यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं तो आप यहाँ के बीचेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। अभी तक तो मैंने सैंड बीच देखे थे, लेकिन यहाँ पर वाइट स्टोन बीच है। पीसा से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं इटली की एक और सिटी, जिसका नाम है फ्लोरेंस। यदि आप पीसा तक आए हैं तो फ्लोरेंस को ज़रूर अपनी लिस्ट में रखें। पीसा से जो फ्लोरेंस का डिस्टेंस है वो बाय ट्रेन 1 घंटे की जर्नी है। आप बस से भी ट्रेवल कर सकते हैं, बहुत इजीली यहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं फ्लोरेंस सिटी में, और यहाँ पर हम लोग वैसे तो वॉक करके पूरा सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन ये जो आप बाइक्स देख रहे हैं आप इसे भी रेंट आउट कर सकते हैं। यदि आप किसी सिटी में जल्दी पहुंच जाते हैं और आपको अपने होटल में चेक इन नहीं मिलता है, तो आपके लिए ये फैसिलिटी बेस्ट रहेगी। यहाँ पर आप अपना लगेज ड्रॉप कर सकते हैं। इस लॉकर में आप अपना सामान रख के देख सकते हैं कि आपको कितने बड़े लॉकर की ज़रूरत है। देन यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पर सब कुछ आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भरनी है और आपको ऑनलाइन पे करना है। देन आपका सामान यहाँ पर सेफ रहेगा और आप फ्री होकर पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमने अपना लगेज ड्रॉप कर दिया है और अब चलते हैं सिटी एक्सप्लोर करने। फ्लोरेंस सिटी अपने रिच कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। और मैं अभी जिस कैथेड्रल के सामने खड़ी हूँ, ये है संता मारिया दिल फ्योरे। इसे बनने में 140 ईयर्स का टाइम लगा था और इसका आर्किटेक्चर तो देखने लायक है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट कैथेड्रल में इसका नाम आता है, टॉप 3 में भी इसे माना जाता है। Thank you.
अभी हम लोग हैं एक स्क्वायर पे जिसका नाम है प्याजा देला सिग्नोरिया। प्याजा मीन्स स्क्वायर या चौराहा। तो यहाँ पर है फाउंटेन ऑफ नेपच्यून और डेविड का स्टेच्यू भी है। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, आसपास रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप जाके ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। अभी हम लोग हैं फ्लोरेंस सिटी के सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज पर जो कि आर्नो रिवर पर बना है। और इस ब्रिज की फेमस बात यह है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर ने इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बाकी सारे ब्रिज डिस्ट्रॉय हुए थे, इसीलिए ये ब्रिज फ्लोरेंस सिटी का सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज माना जाता है। इन सभी के अलावा यदि फ्लोरेंस सिटी की और रिच कल्चरल हिस्ट्री को आप जानना चाहते हैं तो यहाँ के लोकल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीसा और फ्लोरेंस के बाद अब टाइम है इटली की एक और सिटी को विजिट करने का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।